मॉडर्न ठीक है मॉडर्न मॉडर्न हमारे पास ऑप्शन है A, pencil, B, stupid, C, senseless, D, sarcastic. Modern का मतलब होता होता है कि modern adjective होता है, कि ठीक है और ये मतलब जो आपको है, है? ठीक उसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न uh, okay? जो चुपता है आपको डेटमीन कोई रिमार्क हो गया ठीक है ओके? तो जैसे कि मॉडर्न मतलब इसके synonym क्या हो जाएंगे बाइटिंग हो गया ठीक है या फिर कॉस्टिक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए ओके डी सर्केस्टिक इज द आंसर ठीक है आपके मतलब आपके मजे उड़ाने के लिए किसी ने अगर कुछ स्टेटमेंट दे दिया रिमार्क दे दिया ठीक है ठीक है उसको बोलेंगे हम लोग सर्कैस्टिक वे में बोलना फाइन सो ए फर्स्ट का आंसर जो मॉडर्न का आंसर होगा डी सर्कैस्टिक आंसर ए पेंसिव नहीं होगा पेंसिव मतलब होता है कि इन स्टेट जहां पे आप बहुत ज्यादा आप सोचते रहते हो यू आर इन डीप थॉट ठीक है तो पेंसिव का मतलब होता है वेरी थॉटफुल फाइन काफी अच्छा वर्ड है और आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले ये वर्ड तो इसको मार्क कर लीजिए आप लोग थॉटफुल वेरी थॉटफुल ठीक है बहुत ही ज्यादा सोचना डीप थॉट में होना उसको बोलते हम लोग पेंसिव ओके पेंसिव मूड में होना पेंसिव मूड फाइन तो फर्स्ट का आंसर इज डी स्टूपिड एंड सेंसलेस जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सिरेनिम हो जाएंगे ओके तो पेंसिव हो गया मीनिंग पता लग गया आपको तो फर्स्ट मॉडर्न का आंसर इज डी सरकास्टिक इसके सिरेनिम से आपके बाइटिंग कॉस्टिक वगैरह ठीक है तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको करते हैं द वर्ड इज वॉट प्रीकैरियस प्रीकैरियस वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड ए पेरिलस ऑप्शन बी सी सेलिब्रियसुअस डी इनोफेंसिव प्रीकैरियस का मतलब होता है कि समथिंग विच इज फ्रॉट विद डेंजर मतलब काफी खतरा जिसमें होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्री फाइन फ्रॉट विद डेंजर डेंजर तो यहां पे ऑप्शन ए की है जो सिमिलर है जो मैच करता है आंसर पेरिलस का मतलब भी वही होता है जिसमें खतरा बहुत रहता है दैट इज फ्रॉट विद डेंजर फाइन तो प्रिकेरियस का मीनिंग क्या हो जाएगा पेरिलस विच इज what फ्रॉट with डेंजर तो बी सेलिब्रेस नहीं होगा सेलिब्रेस का मतलब क्या होता है हेल्दी हेल्दी ओके हेल्दी मतलब जो आपके सेहत के लिए अच्छा हो उसको बोलते हैं हम लोग सेलिब्रेस सेलिब्रेस एयर हो गया नेक्स्ट इनोक्वस इज a वेरी कॉमन वर्ड जो आपको इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेलिंग एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा डबल एन है यहाँ पे सी कुछ भी डबल करके आ सकता है इनोक्स इनोक्स का मतलब होता है कि हार्मलेस या फिर फाइन काइंड ये सब मीनिंग करेगा आपका इनोक्वस ओके जिससे आपको कोई खतरा नहीं होता है दैट मीन्स ओके दैट इज कॉल्ड इनोक्वस हार्मलेस काइंड ये सब फाइन सो प्रेरियस का मतलब होता है कि समथिंग विच इज फोटेड डेंजर दैट मीनस ए पेरिलस इज द आंसर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग नेक्स्ट इज वर्ड इनसोलेंट इनसोलेंट ऑप्शन हमारे पास ए डिस्टेस्टफुल बी इम्प्रेशन सी डायबोलिक डी रूड फाइन इनसोलेंट का मतलब होता है कि डिसरेस्पेक्टफुल जो आपको रेस्पेक्ट वगैरह ना करे फाइन उसको बोलते हैं हम लोग इनसोलेंट डिसरेस्पेक्टफुल या फिर एक और अच्छा वर्ड है उसको भी लिख लिया आप लोग इम्प्यूडेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है ये आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले इम्प्यूडेंट फाइन इम्प्यूडेंट या फिर डिसरेस्पेक्टफुल दैट इज कॉल्ड इंसोलेंट दैट मीनस वर्ड रूड डी रूड इज द आंसर हम लोग बोलते हैं कभी हैज गॉट वेरी रूड बिहेवियर मतलब डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर फाइन जो मन करे उसने बोल दिया बहुत गंदा उसका आ, उसका बिहेवियर है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसोलेंट बिहेवियर ओके इंसोलेंट सो डिस्टेस्टफुल नहीं होगा फाइन एंड इम्पेशन भी नहीं होगा ओके इम्पेशन फाइन सी डायबॉलिक इज ए वेरी गुड वर्ड इसको भी मार्क कर लीजिए डायबॉलिक का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली क्रूअल

नॉन हो, तो हो, 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 हो उसटे में वेरीक्स वेरी पजल्ड होगा ओके okay? आपको पता नहीं होता है कि आपको करना क्या होता है यू आर सो मच परप्लेक्सड फाइन कन्फ्यूज सो सी इज द आंसर सी पजल्ड इज द आंसर नॉन प्लस का काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्क कर लीजिए आपके एग्जामिनेशन में फिर से आ सकता है ये ए इंजूरियस नहीं होगा ठीक है इंजुरियस मतलब क्या होता है जो सेहत के लिए हानिकारक होता है उसको इंजुरियस कहते हैं आपको आपको पता है, गाली से है. Next, enormous पता है 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 गाली से रिलेटेड नेक्स्ट इनॉर्मस ठीक बड़ा बहुत ही ह्यूज दैट इज कॉल्ड इनॉर्मस फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इन एफेबल इन एफेबल इन एफेबल ऑप्शन है हमारे पास अनइंटेलिजिबल इंटेलिजिबल इनलिजिबल इनएक्सप्लीकेबल डी इनएक्सप्रेसिबल फाइन

एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज सो ग्रेट और एक्सट्रीम दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स फाइन तो इन एफेबल का आंसर हो गया डी अन इंटेलिजिबल कहाँ से आया है वर्ड ये जो है इंटेलिजिबल वर्ड से आया है इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल मतलब क्या होता है हम लोग इंटेलिजिबल किसके लिए यूज करते हैं विथ टॉक ऑफ नॉर्मली स्पीच और राइटिंग जो कि क्लियर हो ठीक है उसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजिबल ओके okay? किसकी बात करते हैं हम लोग स्पीच इंटेलिजिबल स्पीच मतलब सबको सुनाई दिया अच्छे से क्लियर है काफी या फिर कुछ राइटिंग ठीक है राइटिंग को बोलते हैं हम लोग ठीक है उसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजिबल फाइन तो उसी का ऑपोजिट हो जाएगा आपका अन इंटेलिजिबल जो अच्छे से क्लियर नहीं होता है ठीक है क्लियर नहीं देखता राइट कॉल अन इंटेलिजिबल इन एजिबल इज ऑल सेम मीनिंग होता है इलेजिबल हम लोग बोलते हैं इनइलिजिबल हैंड राइटिंग ऑलमोस्ट ठीक है ये ऑलमोस्ट इंटेलिजिबल का अन इंटेलिजिबल का आपका सिनेता है इलेजिबल फाइन हैंडराइटिंग बोलते हैं हम लोग इन है जो पढ़ने में लो हम लोग पढ़ नहीं पाते अच्छे से उसको बोलते हैं हम लोग दैट इन कैन नॉट बी एक्सप्लेन दैट इज कॉल्ड जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं फाइन तो आई थिंक इट्स क्लियर नेक्स्ट वर्ड को क्वेश्चन नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग क्या है टायरेड टायरेड एक नाउन है ओके okay, और हमारे पास ऑप्शन क्या है ए ट्रेड बी प्रेस सी अपलॉस डी रेंट टायरेड का मतलब होता है कि आपका ए एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म ओके काफी आपने गुस्से में अगर किसी को आपने स्पीच दिया और उसमें आपने क्रिटिसाइज की क्रिटिसाइज किया आपने निंदा करी आपने तो उसको बोलते हैं हम लोग टायरेक्ट ओके एंग्री लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म उसको बोलते हैं हम लोग टाइरे ठीक है इसके तो डी इज द आंसर राइट डी इज द आंसर लेकिन इसके काफी सीनेम होते हैं उसको लिख लीजिए आप लोग डायट्राइब बहुत ही अच्छा वर्ड है इसको लिख लीजिए आप लोग डायट्राइब ठीक है रैंट भी एक हो गया डायट्राइब हो गया नेक्स्ट ओके पोलेमिकलेमिक एक नाउन है ठीक है नेक्स्ट अनदर वर्ड इज हैरैंग ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड से ये ऑलमोस्ट सारे क्या है सिमिलर वर्ड्स है सिनेम से ये डायट्राइब फाइन पोलेमिक हैरैंग दैट मीन्स वर्ड एंग्री स्पीच वेरी ऐसा स्पीच जिसमें काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को उसको बोलते हैं हम लोग टायरेट या फिर डायट्राइब पोलेमिक हैर ओके या फिर रैंट

तो आंसर इज वर्ड फाइन या फिर एक वर्ड जो है काफी कॉमन दैट इज ऑप्सिन तो सेलेसियस का मीनिंग क्या होता है आपका ऑप्शिन हम लोग बोलते हैं ऑप्शिन लैंग्वेज ऑप्शिन मतलब इमेजेस फाइन लीड या फिर इरोटिक लस्टफुल ओके सो डी लस्टफुल इज द आंसर सेलेसियस का मतलब ठीक है डी लस्टफुल फाइन ओके एंग्री नहीं होगा अनहैप्पी नहीं होगा नहीं होगा डी इज द आंसर का मतलब चलिए नेक्स्ट वर्ड को करते हैं नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड कॉन्डोन कॉन्डोन करने का मतलब क्या होता है ठीक है ए इग्नोर करना बी ओवरलुक करना फॉरगिव करना फॉरगेट करना कॉन्डोन इज ए वेरी गुड वर्ड इसमें हम लोग क्या करते हैं वी डेलिबरेटली जानबूझ के हम लोग अनदेखा कर देते हैं डिलिबरेटली हम लोग तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बी ओवरलुक हो जाएगा फाइन बी ओवरलोक हमें पता है कि गलत है लेकिन तब भी हम लोग उसको मान चलो ठीक है यार ठीक है तो ओवर लुक करना उसको ठीक है ओके okay? इग्नोर करना नहीं होगा ओवर लुक करना फाइन सी फॉरगिव नहीं होगा डी फॉरगेट नहीं होगा कॉन्डोन का आंसर क्या होगा ओवर लुक करना हो गया ठीक है इसको मार्क कर लीजिए काफी अच्छा वर्ड है ये ठीक है कॉन्डोन करना ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड को करेंगे हम लोग यस, रेवरी रेवरी इज ए वेरी गुड वर्ड ओके ए डिटर्मिनेशन बी डे ड्रीम सी रियलिटी डी रियलाइजेशन तो रेवरी करना मतलब क्या होता है बी डे ड्रीम इज द आंसर डे ड्रीम डे ड्रीम करना मतलब अपने थॉट्स में ही मतलब खोया हुआ जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग रेवरी ठीक है नाउन है ये डे ड्रीम इसका मीनिंग है ठीक है जो हकीकत में नहीं हो सकता वो सब चीजें जो दिन में जो सपने देखते हैं ऐसे बोलते हैं ना तो वैसा है वो जो हकीकत में नहीं हो सकता लेकिन अपने थॉट्स में वो कर रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है ठीक है डे ड्रीमिंग करना फाइन मतलब एस में क्रैक करना बिना मेहनत के तो दैट इज लाइक अ रेवरी ठीक है तो नाइन्थ का आंसर बी हो जाएगा ना कि डिटर्मिनेशन ना सी रियलिटी दी रियलाइजेशन फाइन सो द लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है अभी हमारे पास पर्स्पिकुअस परस्पिकुअस इज अ वेरी गुड वर्ड शायद बहुत ही कॉमन है ये ए relevant, बी precise, सी ब्रीफ डी क्लियर Perspicuous मतलब क्या होता है क्लियर होता है ठीक है Perspicuous का मतलब ना कि relevant, precise, ब्रीफ Perspicuous इसके और अच्छे अच्छे कुछ वो लिख लीजिए आप लोग एक तो होता है आपका lucid, ठीक है इसका अच्छा सिनोनिम हो गया एक तो हो गया आपका limpid, फाइन ओके okay. Limpid हो गया lucid हो गया एक होता है आपका पेल्यूसिड ये काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स है इनको लिख लीजिए आप लोग जो सेम मीन करता है दैट मीनस वर्ट पर्सपीक्यूर्स विच इज क्लियर ठीक है लुसित लिंपित पेलिट फाइन तो यस yes. तो आज कल लेक्चर हम लोग ये पे खत्म कर